राजस्थान में नागौर कोर्ट परिसर में सोमवार को दिन दहाड़े गैंगवार हो गया। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप विश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में ही बंद था, वहीं उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नागौर पुलिस गैंगस्टर संदीप को लेकर दोपहर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बाइक से आए शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नागौर के आसपास नाकेबंदी कर दी है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। संदीप के शव को अस्पताल में रखवाया गया है। बता दें, संदीप सुपारी किलर था। संदीप हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर था। वह सेठी गिरोह से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब तस्करी के साथ वह सुपारी किलिंग भी करता था। उसने नागौर में भी एक व्यापारी का मर्डर किया था। पुलिस इसे गैंगवार मान रही है। बता दें, भीलवाड़ा में दो कांस्टेबल की हत्या करने वाला तस्कर राजू फौजी और गैंगस्टर संदीप विश्नोई खास दोस्त थे। पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए संदीप ने ही राजू फौजी को हथियार दिए थे। संदीप ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अपने गैंग को अरेस्ट करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश के एक सप्लायर से हथियार खरीदे थे। 2016 में बिश्नोई ने फौजी के पास बाड़मेर में फरारी काटी थी। इसी के बाद फौजी और संदीप के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि गैंगस्टर संदीप ने राजू फौजी को रिवाल्वर पिस्टल सहित कई हथियार दिए थे। संदीप ने बताया था कि इसके लिए उसने फौजी से कोई रुपए नहीं लिए। कांस्टेबल की हत्या के बाद फौजी उसके पास हरियाणा में रुका था। 3 साल पहले नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार संदीप बिश्नोई का नाम सामने आया था। पूछताछ में पता चला था कि एक महिला ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए मर्डर की साजिश रची थी। हत्या के लिए महिला ने संदीप बिश्नोई को 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसी मामले में गैंगस्टर संदीप नागौर जेल में बंद था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।